एक साथ मिलकर और आज राजाराम कुशवाहा को जिताया है, जो हमारे मूलभूत समस्या है जो काराकाट की है, चाहे वो ब्लॉक का भ्रष्टाचार हो या सरकारी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, अवैध बालू खनन हो या सुंडुलिया बचाने की लड़ाई हो, और ये तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ यूनिवर्सिटी बनाने के लेके राजाराम कुशवाहा जी डलमिया नगर फैक्ट्री बनाने के लेके आज संसद में आवाज़ उठाएंगे, यही हम लोग का आग्रह और अपील भी है उनसे भी, और तमाम जनता को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। और जो उम्मीदवार लड़े हैं वो बहुत शान शौकत से शिद्दत से लड़े हैं, उन सबको भी अगले 5 साल संघर्ष करें, इसके भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। विशाल कुशवाहा पप्पू यादव जी के जिला अध्यक्ष। ये देखिए इस समय रोहतास में है, और ये देखिए पुलिस की जो गाड़ी है लगातार जो है रोड पे राउंड मार रही है, और यहाँ से ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि राजाराम कुशवाहा का जो है जीत जो है पक्की हो चुकी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वोटों से वो आगे निकल चुके हैं। और यहाँ पर देखिए जितने सारे भी लोग हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये सारे लोग जो है राजाराम कुशवाहा को सपोर्ट करने वाले हैं, चाहने वाले लोग हैं, जो कि धीरे धीरे जो है संख्या जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, दूर दूर तक आप देख रहे हैं, पूरा रोड जो है अब रोड पर लोग जो है भरना चालू हो गया है भरना, जैसे यहाँ पर देखिए बाजार समिति ससाराम, और यहाँ पर देखिए पूरा जो है राजाराम के चाहने वाले लोग जो है देख सकते हैं पूरा खुश मिजाज में नज़र आ रहा है, और यहाँ पर देखिए राजाराम कुशवाहा का जो है लगातार नारे लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं तिरंगा देखिए 3 तरह, और यहाँ पे देखिए भारत में एक निर्दलीय जीतने वाला देखिए यहाँ पर बिहार तक वाले आए हैं और उनसे बातचीत हो रहा है, और बाद बाकी मैं बता दूँ कि ये देखिए जितना सारे लोग हैं, ये सारे लोग जो है राजाराम कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 3 तारा जो है झंडा भी लगा हुआ है, और इधर देखिए देखिए ये देखिए 3 तारा झंडा जो लगा हुआ है, सब लोग खुश है। क्या भैया आप खुश है कि नहीं? बहुत खुश है ना? हमको क्या दिक्कत है? किनको वोट दिए थे? किनको वोट दिए थे? मेरा अभियज नहीं हुआ है। अभियज नहीं हुआ देखने आए? किनको सपोर्ट कर रहे थे? पवन सिंह को। बेचारा निराश हो गए ना? निराश का हो गया, अभी 9 राउंड है तो। अभी 9 राउंड है, मतलब अभी भी उम्मीद जता कर रखे हैं। पवन सिंह है, मुंड बनने में टाइम लगता है। अभी मुंड बनने में टाइम लगेगा? जय पवन तय पवन। जय पवन तय पवन। पवन बहता है, कोई रोक नहीं सकता है। रोक नहीं सकता है, लोग तो यहाँ जीत का जश्न मना रहे हैं। 9 राउंड है, 9 राउंड जीत का जश्न मना रहे हैं लोग। मनाने दीजिए, 9 राउंड है, 9 राउंड बाद देखिएगा। कुछ वोट से पीछे है, ठीक है, हमको लगता है मुश्किल है, इसलिए कि अभी 9 पेटी बोल रहे हैं। किसका मुश्किल? किसका किसका भी है, ठीक है, इसके अनुसार 9 राउंड में उसका भी बढ़ सकता है जो पहला स्थान पर है, और इसका भी बढ़ सकता है, ठीक है, इसके अनुसार वो भी 92,000 कुछ से आगे है। क्या लग रहा है? गारंटी नहीं है कि पवन सिंह जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है, मतलब गारंटी नहीं है। सुनो सुनो, गारंटी किसका लग रहा है? राजाराम एकदम गारंटी है। काहे भागे हैं भाई? वही है जो इसके गद्दारी कर रहा है। तमाम सारे लोग जो है वही बोल रहे हैं, वैसे थोड़ी होता है। अभी 9 राउंड अभी काराकाट बाकी है ना, उसके ऊपर बढ़ से गला 9 राउंड का जो है जीत का जश्न मना रहे हैं, आपका पासा पलटेगा। देखिए अभी भी युवा लोग का भरोसा है कि पासा पलट जाएगा, हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं राजाराम कुशवाहा के जितने भी समर्थन करने वाले लोग हैं, सभी लोग जो है अपना एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं।
ये देखिए पूरा रोड पूरा जाम है, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे पुलिस कर्मी भी एकदम पूरा फुल तैनात है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। उन्होंने वादा किया ट्विन सिटी बनाने को बनाएंगे, उन्होंने वादा किया कोई गांव में स्कूल बनाने के लिए वो बनाएंगे, उन्होंने वादा किया कि शादी करने के लिए कुछ नहीं तो साल में कम 20 शादी जरूर करेंगे, अपने घर से करेंगे, ताकि वो नहीं दूसरों को लगाया कि नहीं। आज पवन सिंह का जो है रथ रुकेगा नहीं, ये रथ अभी चलते रहेगा, ऐसा बात नहीं कि चुनाव आज लॉस कर गए तो उनका रथ रुक जाएगा, नहीं। बहुत लोग बोल रहे हैं, देखिए देखिए लोग कमेंट कर रहे हैं, कि पवन सिंह के साथ धोखा हुआ है, तो क्या धोखा हुआ है? हम लोग प्रतिज्ञा धोखा ये हुआ है कि एक विशेष समुदाय, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनको देना था कहाँ वोट दे दिया है कहाँ, बस यही उनके है कारण। वही रहते एक नंबर दो नंबर तीन नंबर पे ना, धोखा नहीं होता, धोखा नहीं होता, जिनका वोट होता है उनको पड़ा रहता है, मारना है बस इसी में दिक्कत हो गया है जी। अब तमाम जो देख सकते हैं सीपीआई के समर्थक जो हैं जितने भी हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं भाई, अपने लिए वो अपने नेता के लिए आए, वो भी नेता हमारा ही, ऐसा बात नहीं कौन सा अलग है। अच्छा राजाराम सिंह कैसे हैं, राजाराम सिंह व्यक्तित्व कैसे हैं, क्योंकि आप जो सांसद बनेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों की आस रहेगी। हम उनसे मिले हुए नहीं है, लेकिन उनकी सर्विस कोई मिला ही नहीं है, कोई जानता नहीं है, जाए अपना वेट वोट लगाए, कहाँ दौड़ेंगे वो, उमर कहाँ दौड़ा है, दुर्भाग्य है उनका, दुर्भाग्य काराकाट का पीछा नहीं छोड़ा है, सौभाग्य की बात भी की एक संसद पुत्र वहाँ आया था, इस चीज को गंवा दिया लोग। और पवन सिंह ने आते आते इतना मतलब जो जात धर्म था मिटा दिया, ये कर दिया पवन सिंह ने। नहीं, बहुत लोग आरोप भी लगाया कि पवन सिंह को लेकर जातिवाद भी हुआ है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सोचे अपना सोचते रहे, कोई बात नहीं है, अगर जो जातिवाद रहता है जानते हैं 70-75 हो तो उसमें, हाँ ये भी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सब लोगों का वोट है, तभी जो है 2,33,000 वोट आया। आप भी सोचिए जरा, तो कहीं ना कहीं ये इनका भैया का कहना भी सही है, क्योंकि